रहे हैं लाइव बिहार। मैं आपके साथ रूपम भीखना पहाड़ी इस वक्त मैं मौजूद हूं और बीपीएससी अभ्यर्थी जो कि आंदोलन के लिए आज कर रहे हैं पटना कॉलेज से छात्र नेता दिलीप और जितने भी बीपीएससी अभ्यर्थी हैं जो 67वीं पीटी का एग्ज़ाम दिए हैं और कट ऑफ को लेकर कहा जा रहा था कि धांधली हुई है और भी कई ऐसे मुद्दे हैं जिसको लेकर वो लोग आयोग के पास गए थे, बात करने की कोशिश किए थे, मुख्यमंत्री तक के पास वो गए बात करने की कोशिश किए, लेकिन वो लोग आश्वासन दिए, बोले कि हम आपको बताएंगे, कुछ दिन रुक जाइए। लेकिन कुछ दिन रुकते रुकते आज तक अभी तक उनका कोई खबर नहीं आया है। इसके लिए छात्र नेता दिलीप लगातार कुछ न कुछ लोगों के पास जा रहे प्रयास करने कि आखिर बीपीएससी में किस तरह की धांधली हो रही है। चलिए मैं जिस जगह जो मौजूद हूँ मैं बताना चाहूँगी कि छात्र नेता दिलीप पटना कॉलेज से अभ्यर्थियों के साथ वहाँ से निकले हैं और ये भीखना पहाड़ी के रास्ते हुए आगे अभी मुसल्लेपुर हाट वो पहुँचे हैं। लेकिन बीच रास्ते में ही प्रशासन यहाँ पर अपनी गाड़ी लगा दी। प्रशासन के कई जो है लोग हैं वो यहाँ पे मौजूद हैं। दरअसल ये लोग आयोग जाने वाले हैं लेकिन वहाँ तक इन्हें नहीं जाने दिया जाएगा। उसके लिए बीच रास्ते में ही उन्हें धर दबोचने के लिए ये लोग यहाँ पे पहुँचे हुए हैं। हालांकि कई ऐसे मोड़ हैं जहाँ पर अगर बीपीएससी आयोग की बात करें कि वहाँ जाने के लिए जो रास्ते में जो मोड़ मिलेंगे हर जगह ये लोगों की प्रशासन वहाँ पे तैनात रहेगी। चलिए मैं ये जो रास्ता है वो मैं दिखाना चाहूँगी मुसल्लेपुर हाट के तरफ से। ये जो रास्ता है वो इधर से जितने भी अभ्यर्थी हैं वो इधर से आएंगे और उसके बाद इसीलिए प्रशासन यहाँ पर गाड़ी लगा के इंतज़ार कर रही है और प्रशासन है वो अंदर भी गई है कि जहाँ पर मिले वहीं पर धर दबोचेंगे, क्योंकि उस बार भी छात्र नेता दिलीप इसी तरह से प्रोटेस्ट कर रहे थे और उस बार भी उन्होंने पटना कॉलेज से बहुत सारे अभ्यर्थियों को लेकर वो उठाए थे, मुसल्लेपुर हाट के तरफ गए थे, उसके बाद फिर आयोग जाने की भी बात हुई थी, लेकिन पुलिस को इस तरह से चकमा देते हुए वो वहाँ पर निकले और बेदली रोड में उन्हें धर दबोच लिया गया और फिर सामने जो भी है वो तो आपके सामने ही है। चलिए हम लोग इंतज़ार करते हैं, दिलीप का इंतज़ार करते हैं, उनसे बातें करने की कोशिश करते हैं। प्रशासन कितना काम कर रही है, प्रशासन किस तरह से उन्हें धर दबोचेगी या जाने देगी या नहीं जाने देगी, या इस बार भी उनकी आंखों में धूल झोंककर वो लोग जो अभ्यर्थी है वो लोग निकल जाएंगे। हालांकि उस बार आपने देखा ही था कि किस तरह से अभ्यर्थी आंदोलन के लिए वहां पे गए थे, अपनी बातों को रखने के लिए बीपीएससी आयोग जा रहे थे और बीच रास्ते में ही उन्हें धर दबोचा गया। प्रशासन की सख्त कार्रवाई उन पर हुई, उन्हें लाठियों से पीटा भी गया था, कई अभ्यर्थी जो है वो जख्मी हुए थे और हमसे बात भी कर रहे थे, वो आपको मैं दिखाई भी थी कि कैसे उन्हें पूरा हाथ जो है वो फट गया था, किसी की कहीं पे चोट लग गई थी, ब्लड आ रहा था, कई उस समय बारिश होने लगी थी और लड़कियां भी जो है वो भीग गई थी, उन्हें भी चोट आया था और फिर उन्हें पटना जो सचिवालय थाना है वहाँ पर पकड़ के ले जाया गया था। लेकिन उसके बाद मुख्यमंत्री संज्ञान में लिए क्योंकि दिल्ली में भी इसी तरह के प्रोटेस्ट हो रहे थे और वहाँ पर मुख्यमंत्री को घेरा गया था, इस कारण से संज्ञान में लिए। लेकिन अभी भी आप देख ही सकते हैं कि कुछ दिन पहले कैसे मुख्यमंत्री के पास दिलीप वहाँ पर पहुँचे मिलने के लिए, काम्या मिश्रा भी वहाँ पर मिली और वो बहुत ही अच्छे तरीके से समझाई कि हम भी आप ही के साथ आप ही के तरह एग्ज़ाम देकर हम लोग भी आए हैं तो हम लोग आपकी बातों को रखने की कोशिश करेंगे। मुख्यमंत्री हालांकि नहीं मिले, जो प्रधान सचिव है वो तो मिले और वो बात भी किए, ये लोग संतुष्ट भी हुए कि हमारी बातों को संज्ञान में लेंगे, लेकिन अभी तक ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है। चलिए आप लाइव बिहार के साथ बने रहिए क्योंकि लगातार जो भी प्रोटेस्ट हो रहा है, जो भी आयोग के पास ये लोग पहुंचेंगे उसके लिए हम लगातार टाइम टू टाइम आपको दिखाते रहेंगे कि क्या कुछ हुआ है। चलिए फिलहाल के लिए बने रहे लाइव बिहार के साथ, धन्यवाद। लाइव बिहार यूट्यूब पर सब्सक्राइब और फेसबुक पर लाइक जरूर करें।